मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज तृतीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों को मिलिंग मशीन में डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी तक हम डायरेक्ट प्लेन इंडेक्सिंग और एंगुलर इंडेक्सिंग का अध्ययन कर चुके हैं। कंपाउंड इंडेक्सिंग और डिफरेंशियल इंडेक्सिंग तब काम में ली जाती है जब कोई इंडेक्सिंग प्लेन इंडेक्सिंग मेथड से नहीं हो पाती है। कंपाउंड इंडेक्सिंग मेथड एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें कोई भी दो होल सर्किल पहले चूज करते हैं, फिर एक सेट प्रोसीजर के तहत उन सब की कैलकुलेशन निकालते हैं और फाइनली यदि उससे सही रोटेशन आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर से दो होल सर्किल मान करके और फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जो आजकल काम में नहीं आता है, उसी का काम डिफरेंशियल इंडेक्सिंग से किया जा सकता है। तो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार फिर से कुछ चीज़ों का रिवीजन करते हैं। देखिए, आपको ध्यान है ब्राउन एंड शार्प की तीन इंडेक्स प्लेट अवेलेबल होती है जिनमें डिफरेंट होल सर्किल्स होते हैं। प्लेट वन में 15 से लेके 20 तक 6 होल सर्किल होते हैं, प्लेट टू में 21, 23, 27, 29, 31 और 33 होल होते हैं, प्लेट थ्री में 37, 39, 41, 43 और 47, 49 होल होते हैं। जबकि सिनसिनाटी एंड पार्किंसन की जो इंडेक्स प्लेट होती है उसके दोनों साइड में होल सर्किल होते हैं। एक साइड में 11 होल वाले सर्किल हैं और दूसरे साइड में भी 11 सर्किल हैं जिनमें अलग अलग होल्स हैं, दोनों ही चीज़ में अलग अलग होल हैं। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के अंदर, जैसा कि आपको पहले यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में बताया गया था, चेंज गियर्स काम में लिए जाते हैं। तो इन डिवाइडिंग हेड के साथ जो चेंज गियर्स उपलब्ध होते हैं, यानी नंबर ऑफ टीथ उन गियर के जो होते हैं, वो ये होते हैं 24, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86 और 100। इन चेंज गियर्स की सहायता से 1 से लेके और 382 तक कोई भी डिवीजन हम किसी भी जॉब की परिधि के कर सकते हैं। और यदि कुछ स्पेशल गियर और काम में लें जिनके टीथ हैं 46, 47, 52, 58, 68, 70, 76 और 84, तो फिर हम 383 से 1008 डिवीजन तक हम किसी जॉब की परिधि के कर सकते हैं। तो जैसा ये पहली स्लाइड में दिखाया गया है, ये सारे इंडेक्स प्लेट और चेंज गियर्स के नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं। ये सब हमें जब क्वेश्चन को करेंगे उस वक्त ये काम आएंगे। परीक्षा में या तो ये सब दिए हुए होंगे, वरना आपको कम से कम ब्राउन एंड शार्प की जो इंडेक्स प्लेट है उसके तीनों प्लेट के नंबर ऑफ होल्स सर्किल्स याद रखने हैं, और चेंज गियर्स में जो 1 से लेके 382 तक डिवीजन तक के जो गियर काम में आते हैं उनके दांतों की संख्या याद रखनी। अब हम एक सवाल करते हैं, अगली स्लाइड में आप देखेंगे। सवाल है ये इंडेक्स 83 डिवीजन्स, ये क्वेश्चन है। अब जैसे ही कोई सवाल दिया जाता है, सबसे पहला काम हम उसमें देखते हैं कि प्लेन इंडेक्सिंग से वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है इंडेक्स क्रैंक मोमेंट इन प्लेन इंडेक्सिंग, ये होता है 40/n, n नंबर ऑफ डिवीजन्स रिक्वायर्ड, यानी कितने डिवीजन करने हैं, यहाँ 83 डिवीजन करने हैं, तो इंडेक्स क्रैंक मोमेंट बराबर 40/83। 40 में 83 का पूरा भाग नहीं जाता है तो ये संख्या यही रहेगी 40/83। यानी यहाँ पर हमको 83 होल सर्किल वाले सर्किल में हर बार इंडेक्सिंग करते वक्त 40 होल आगे चलना है, परंतु ये तभी संभव है जब 83 होल का कोई सर्किल हो। जैसा कि पहली स्लाइड में इंडेक्स प्लेट में बताया था, ब्राउन एंड शार्प में अधिकतम 49 होल का सर्किल है और सिनसिनाटी एंड पार्किंसन के अंदर अधिकतम 66 होल वाला सर्किल है। आप इतना तो याद कर लीजिए, 49 होल सर्किल है ब्राउन एंड शार्प में अधिकतम, और सिनसिनाटी एंड पार्किंसन के इंडेक्स प्लेट में अधिकतम जो होल्स हैं किसी सर्किल में वो 66। तो यहाँ पर अपन को 83 होल वाला सर्किल चाहिए, लेकिन यहाँ तो 83 होल सर्किल है ही नहीं। तो इस परिस्थिति में हम इस सवाल को प्लेन इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते। तो ये केस हो गया डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का। अब आपको डिफरेंशियल इंडेक्सिंग करते वक्त क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। यदि नंबर ऑफ डिवीजन जितने करने हैं उतने का होल सर्किल नहीं है, तो हम इस 83 के आसपास की कोई संख्या चूज करते हैं जो कि या तो खुद या उसका कोई डिवीजन होल सर्किल इंडेक्स प्लेट में अवेलेबल हो। अब 83 के पास में यहाँ पर आप 82, 81 कोई संख्या ले सकते हैं, या 84, 85, 86, जो भी इसके नियरेस्ट हो वो संख्या ले सकते हैं।
यहाँ पर देखिए ब्राउन एंड शार्प की इंडेक्स प्लेट में तीसरी प्लेट में 41 और 43 होल का सर्किल है, तो 41 दुए 82 होता है और 43 दुए 86 होता है। तो या तो हम 82 मान लें या हम 86 मान लें, जिससे हमको ये इंडेक्सिंग करने में आसानी रहे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई संख्या ए बराबर 86, यहाँ ए बराबर 86, ए वो नियरेस्ट संख्या है जो 83 डिवीजन के नज़दीक है। तो ये ए लेने से फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का, पहला है गियर रेशियो निकालने का। गियर रेशियो इज इक्वल टू ए माइनस एन इंटू 40 अपॉन ए। यहाँ ए 86 है, एन 83 है, तो 86 माइनस 83 गुना 40 बटे 86, ये आ गया 3 गुना 40 बटे 86। अब देखिए गियर रेशियो है तो 3 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, रेशियो निकालना है। यहाँ पहली स्लाइड में आपने देखा था चेंज गियर्स में जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो क्या क्या थे, 24 24 28 32 40 44 48 56। तो ये जो संख्या अपनी गियर रेशियो में 3 आई है, इस 3 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदलना है और मिनिमम रखना है। तो देखिए हमारे पास 24 नंबर ऑफ टीथ का एक गियर है, यदि इस 3 को 24 से गुणा करें ऊपर भी और नीचे भी, 3 के नीचे 1 है, तो 3 गुना 24 बटे 1 गुना 24, तो ये हो गया 72 बटे 24 गुने 4 बटे 86। तो ये हमको मिल गया गियर रेशियो, दो ड्राइवर गियर हैं, दो ड्रिवन गियर हैं, यानी ये कंपाउंड गियर ट्रेन आ गई। तो यहाँ ड्राइवर तो है 72 दांतों का और 40 दांतों का गियर, और ड्रिवन है 24 दांतों का और 86 दांतों का गियर। अब आप इंडेक्स क्रैंक मोमेंट निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में इंडेक्स क्रैंक मोमेंट का फॉर्मूला होता है 40 बटे ए, क्योंकि अब हम ए से चलेंगे, ए हमने जो माना, तो यहाँ पर इंडेक्स क्रैंक मोमेंट हो गया 40 बटे 86। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो गया 20 बटे 43। यहाँ ध्यान दीजिए 20 बटे 43 में नीचे की संख्या 43 पे ध्यान दीजिए, क्या 43 होल का कोई सर्किल इंडेक्स प्लेट में अवेलेबल है? यहाँ हम ब्राउन शार्प की इंडेक्स प्लेट नंबर 3 में देखते हैं, तो चौथा जो सर्किल है उसमें 43 होल है, यानी ये इंडेक्सिंग हो सकती है। तो इंडेक्सिंग क्या होगी, इस जॉब की कंप्लीट इंडेक्सिंग करने के लिए इंडेक्स क्रैंक को हमको हर बार 43 होल सर्किल वाले किसी एक होल से निकालकर आगे के 20 होल चलना है। तो यहाँ इंडेक्सिंग कैसे होगी, जॉब को लगा दिया, उस पर एक दांता काट दिया, उसके बाद में जो इंडेक्स क्रैंक पिन थी वो कहाँ लगाई थी, जॉब को कटिंग करने से पहले 43 होल वाले सर्किल के किसी एक सर्किल में, किसी एक हॉल में 43 होल सर्किल वाले किसी एक हॉल में लगाई थी, एक सरफेस बना ली थी, वो सरफेस बनने के बाद उस पिन को वहाँ से निकाला और इंडेक्स क्रैंक को 20 होल आगे खिसका के फिर लगा दिया। लेकिन यदि ये 20 होल ही आगे खिसकेगा तो ऐसे तो जॉब की परिधि में 86 डिवीजन बन जाएंगे, क्योंकि हमने तो ए बराबर 86 लेके सोल्व किया। मैंने आपको पहले इसकी थ्योरी में बताया था कि यदि a माइनस एन पॉजिटिव हो, यहाँ 86 माइनस 83 पॉजिटिव है, हमें 83 दांते बनाने हैं और असल में अब यहाँ पे बन रहे हैं 86, यानी पतले दांते बनेंगे 83 वाले दांते की तुलना में। तो यदि इन दांतों को थोड़ा थोड़ा मोटा करना है तो हमको ये 20 छेद जो आगे चलना है इससे थोड़ा सा फालतू आगे चलना पड़े, तो जॉब थोड़ा सा ज़्यादा घूम जाएगा और दांता थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में जब इंडेक्स क्रैंक को मूव कराते हैं उससे पहले इंडेक्स प्लेट की जो लॉक पिन है जो कि बॉडी के साथ पीछे लगी होती है उस लॉक पिन को फ्री कर देते हैं। तो जब हमारी इंडेक्स क्रैंक मूव करती है उसके साथ जो मीटर गियर जुड़ा हुआ था उस मीटर गियर के साथ चेंज गियर जुड़े हुए हैं और वो चेंज गियर स्पिंडल के नट से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इंडेक्स क्रैंक को मूव करते हैं उससे शाफ्ट मूव करती है, उस शाफ्ट से वर्म जुड़ा है वो वर्म मूव करता है, उस वर्म से वर्म गियर जुड़ा है वो वर्म गियर मूव करता है, और वर्म गियर से स्पिंडल जुड़ी है तो स्पिंडल मूव करती है। एक तरफ तो स्पिंडल जॉब को घुमाती है और दूसरी तरफ वो स्पिंडल स्टड की सहायता से चेंज गियर्स को घुमाती है। तो स्पिंडल से चेंज गियर घुमा, चेंज गियर से नीचे का चेंज गियर, उससे मीटर गियर और उससे इंडेक्स प्लेट घूमती है। तो यहाँ डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में इंडेक्स क्रैंक के साथ साथ इंडेक्स प्लेट भी घूमती है। अब यदि ए माइनस एन पॉजिटिव है तो इंडेक्स प्लेट इंडेक्स क्रैंक की दिशा में ही घूमेगी, उससे क्या होगा, हम जब 20 छेद आगे चल रहे हैं तो वास्तव में वो 20वां छेद इंडेक्स प्लेट के उसी दिशा में घूमने से थोड़ा दूरी पे चला जाएगा और उससे हमारा जॉब थोड़ा सा मोटा दांता बन जाएगा, तो असल में 86 नहीं बल्कि 83 दांते ही बनेंगे। तो इस प्रकार हम ये इंडेक्सिंग करते हैं। अब इसमें यदि ए माइनस एन पॉजिटिव है तो इंडेक्स प्लेट इंडेक्स क्रैंक की दिशा में ही घूमेगी, और यदि ए माइनस एन नेगेटिव है
तो इंडेक्स प्लेट इंडेक्स क्रैंक के अपोजिट दिशा में इंडेक्स क्रैंक की तरफ घूमेगी ताकि 20 की बजाय थोड़ा कम चलना पड़े। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यदि गियर ट्रेन सिंपल है और ए माइनस एन पॉजिटिव है तो एक आइडलर गियर लगेगा ताकि इंडेक्स प्लेट की डायरेक्शन को सही दिशा दे सके। यदि गियर ट्रेन कंपाउंड है और ए माइनस एन पॉजिटिव है तो कोई आइडलर गियर नहीं लगेगा। इस सवाल में कंपाउंड गियर ट्रेन आई है और ए माइनस एन पॉजिटिव भी है तो कोई आइडलर गियर नहीं लगेगा। यदि गियर ट्रेन सिंपल हो ए माइनस एन नेगेटिव हो तो दो आइडलर गियर लगेंगे, और यदि गियर ट्रेन कंपाउंड हो ए माइनस एन नेगेटिव हो तो फिर एक आइडलर गियर लगेगा। ये आइडलर गियर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इंडेक्स प्लेट इंडेक्स क्रैंक के रिलेटिव किस डायरेक्शन में चलेगी उसको ये तय कर सके। फिर से ध्यान दिला दूँ, ए माइनस एन यदि पॉजिटिव है तो इंडेक्स प्लेट इंडेक्स क्रैंक की दिशा में ही घूमनी चाहिए ताकि जो दांते वास्तव में बना रहे हैं वो हल्का सा बड़ा बने और 86 दांतों में से 3 दांतों की जो मोटाई है वो सब बचे हुए 83 दांतों में बट जाए तो वो 83 दांते ही बने उस पूरी परिधि पर, ना कि 86 बने, क्योंकि हमको वास्तव में इस सवाल में 83 दांते ही बनाने हैं। तो ये हुआ डिफरेंशियल इंडेक्सिंग करने का मेथड। ऐसा है आपको ये समझ आ गया होगा, आप इससे रिलेटेड कुछ और सवाल कीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। आज इतना ही।